Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to my channel's VS Education Sub. Today I am here to discuss English vocabulary from the Hindu-Indo-Aryan Indian Express both newspapers. Exam point which is important vocabulary hai. Please video tak ant tak bani rahiyega. 100% aap kuch na kuch acche words aap seekh ke jayenge. Ki acche words se regular basis pe video upload karta hai every day mornings mein English vocabulary जो एडिटोरियल पोर्शन से मैं आपको बताऊंगा कौन से पोर्शन से दो आर्टिकल्स आते हैं उससे रिलेटेड जो भी वोकैबुलरी है वो अपन डिस्कशन करते हैं ओके आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को एंड बिफोर दैट अगर आप चैनल पे न्यू हैं फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करें चैनल को एंड लाइक करें वीडियो को एंड देन शेयर करें वीडियो को ताकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तक पहुंच पाए ओके इफ यू आर प्रिपेयरिंग IBPS, PO, Clerk, SBI, SSC, LIC, NABARDS, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए मोटिवेशन कोड टुडे इज 23rd सितंबर से और आपकी शो यानी कि मंडे राइट मोटिवेशन कोड क्या कहता है सच्चा प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होता लंबी छलांग को से बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम यानी कि कंटिन्यूअसली स्टेप बाय स्टेप आप इंक्रीज करना आगे बढ़ते रहना जो आपको एक दिन मंजिल तक लेकर जाएगा एक इंच इंग्लिश में कहना चाहता है सो एफर्ट इज नेवर नेचुरल स्पंदन इज लॉन्ग जर्नी कंटिन्यूअसली इंक्रीज इन स्टेप व्हिच यू विल ग्रो टू द डेस्टिनेशन वन डे सब अपने टारगेट के अपने गोल्स के चलो एक ना एक दिन जरूर पहुंचेंगे उसके रिलेटेड आप निरंतर कदम बढ़ाइए सच्ची भी है लेकिन कुछ कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो एकदम सही एकदम सही पहुंचना चाहता है कि मेरे को आज हो गए वो चीज़ पर मेरे को मिल जाए पर ऐसा नहीं होता धीरे धीरे तरफ प्रैक्टिस करेगी अभ्यास करेगी अपनी स्टडी फोकस करेगी तो 100% आप ईमान से मेहनत करेगी तभी आप पहुँच पाएंगे ओके नेक्स्ट सेशन पर आई होप आप यू आर मोटिवेटेड नेक्स्ट है आपकी आर्टिकल्स देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आर्टिकल्स ये रहा फर्स्ट आर्टिकल्स है एंड देन सेकंड आर्टिकल्स राइट बहुत ही अच्छा आर्टिकल्स है 100% कुछ ना कुछ अच्छी चीज जरूर सीखेंगे देखिए लोकल मैटर्स ऑन पोल इश्यूज के लिए महाराष्ट्र फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए ये दो आर्टिकल्स रेगुलर बेसिस पर वीडियो अपलोड होता है इस पे बहुत रिसर्च करके वीडियो अपलोड किया है अपने फर्स्ट आर्टिकल्स पॉलिटिकल से जुड़ा एक आर्टिकल से आपको मालूम होगा अभी जो 21st अक्टूबर को जो इलेक्शंस इलेक्शंस होने वाले हैं जो टू स्टेट है महाराष्ट्र एंड हरियाणा उससे रिलेटेड इस आर्टिकल्स पर कहा गया है 21st अक्टूबर को क्योंकि लगभग 96 विधान 90 असेंबली सेशन हरियाणा में एंड 288 महाराष्ट्र में सीट है असेंबली की तो इन सीटों का चुनाव है उसके रिलेटेड इस पर आर्टिकल्स में कहा गया है और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स नहीं है कर लीजिएगा इससे रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन नहीं बन सकता बट आपकी इंफॉर्मेशन आपको नॉलेजेबल के लिए कि नेक्स्ट है आपकी सीकिंग टू सिक्योर और लिंकिंग आधार जीएसटी राइट बहुत ही अच्छा आर्टिकल से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छा आर्टिकल है देखिए एकदम इजी मेथड में बिल्कुल इजी लेवल पर अपन डिस्कस कर रहे हैं एंड डाउट यू कैन आस्क ओके देखिए क्या कहता है आर्टिकल जीएसटी के रिलेटेड देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होगा मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है आपकी दैट्स होगी आपकी कुछ ना कुछ जो भी हो तो एक तरह से रिटर्न से दाखिल कर रहे हैं रिटर्न जीएसटी रिटर्न होना वो तभी आपकी
losses should happen, right? And in physical currency, the basis rate, income shara currency, abhi aapka net profit padega, okay? Then this is some articles where most of apne India mein rehte hain, right? India mein most of people kya rehte hain, tax padne ki bachne ke liye, apne income ko kam karte hain, expenses yani kharche mein jo increase increase karte hain, but this is jo jitna loss hota hai jitna returns nahi hota ki liye तो गवर्नमेंट की तरफ से रिटर्न मिलता है। आई होप आपको पता चला होगा कि स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल की हाँ आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा होगा, मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक्सपेंसेज आता है इसमें, उसमें फिर यहाँ पर अमाउंट आती है, ओके ओके, यहाँ पर इनकम आती है, ओके यहाँ पर अमाउंट आती है, तो देन इनकम से यहाँ पर इन दोनों में से जो इनकम ज्यादा है अगर एक्सपेंसेस कम है तो नेट प्रॉफिट आएगा, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है नेट प्रॉफिट, आपकी इनकम कम है तो आपके लॉस आएगा, क्योंकि प्रॉफिट आएगा जिसके जितने प्रॉफिट होते हैं उसके बेसिस पे टैक्सेबल जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है, ओके जो प्रॉफिट यहाँ पर आई। एंड मीन्स आपके दिमाग में क्वेश्चन सर लॉस आया तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसा दिया जाएगा, राइट? ये आपको समझ में आया होगा। But most of Indians, right, क्या कर रहे हैं, अपना खर्चे ज्यादा बढ़ाते हैं एंड देन इनकम कम दिखाते हैं ताकि गवर्नमेंट की तरफ से रिटर्न मिल सके, पैसे मिल सके, क्योंकि इसी से उन तरीके से फ्रॉड बेसिस पे एक्सपेंसेस खर्चे नहीं देगा, खर्चे ज्यादा दिखा रहे हैं, वो खर्चा इनकम नहीं दिखाते, तो उसी से बेसिस पे इसमें आर्टिकल्स में कहा गया कि अब इसको आधार से रिलेट किया जाए, यानी कि पैन कार्ड से ढूंढा जाए तो आधार से रिलेट किया जाए ताकि कुछ खर्चे कुछ इसमें मैसेज के इंटरेस्ट फिगर्स को एक्सपेंसेस को कम कर, यही आर्टिकल्स को कहना चाहता है। लगभग 470 करोड़ इस लॉसेस की वजह से गवर्नमेंट ने शेयर होल्डर की दे चुकी है 470 करोड़ का होगी उनकी 470 करोड़ रुपए गवर्नमेंट अभी जो लॉसेस आए हैं उनकी बेसिस पर दे चुकी है। तो आपको क्वेश्चन डिस्काउंट देना या एकदम शूट करना उसको बोलते हैं। द
The customers are seen, the customers are seen happy because your exemptions of the money offers, right? Benevolent, each shall say to the malevolent, देखिए, एक benevolent यानी कि courteous something विनम्र प्रभाव person जो होता है कुछ चाहिए वाला person जो भलाई करने वाला person जो उसको बोलते हैं benevolent और इससे related एक एक word होता है benevolent, right? इससे बोलते हैं benevolent एक word होता है उसको बोलते हैं जो बेईमान person जो एकदम उसको बोलते हैं, right? benevolent सबसे दोनों उसको remember कर सकते हैं. The person standing across the person standing is benevolent, right? These are six words. Take a screenshot. अभी भी आपको टाइम मिले तो तुरंत आप रीड आउट कर सकते हैं. ओके, मूविंग ऑन चलते हैं पर आज के सेवंथ वर्ड्स पे. देखिए, ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड इट मींस एक्चुअली तो मतलब यानी कि ऑप्शनल शब्द में देते हैं यानी कि अच्छी इसको बोलते हैं. ओके, द मोरल ऑफ द पीपल शुड बी ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स स्टेटमेंट्स पीपल्स, राइट? इंटेग्रिटी. बहुत ही अच्छा वर्ड है. ऑनली मिलता है कि मोरल प्रिंसिपल्स, राइट? स्टैंडिंग जिसको बोलते हैं इंटेग्रिटी. नाउन की तरह का इंतजार कर लीजिएगा. सेंटेंस देखिए, द सक्सेस ऑफ गुड एंड वेलफेयर सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ सोसाइटी, राइट? बहुत ही अच्छा सेंटेंस है. द सक्सेस ऑफ गुड एंड वेलफेयर सोसाइटी डिपेंड्स ऑन इंटेग्रिटी सोसाइटी. ओके, अप्रिशिएशंस नॉट अप्रिशिएशंस. अप्रिशिएशंस व्हेन इट फॉल्स ऑन If you like the videos, if you like my efforts, so please do like the session, do share the session, and to subscribe the channels and check the bell icon. Okay, most of the videos upload to the local notifications as well. And then if you want to share the channel, then I will guarantee you only those who are targeted in success. Okay, next the word of the day. Word of the day is studio time. राइट एंड दी अनप्लेबल. बहुत ही अच्छा वर्ड से स्टीरियोटाइप. सेंटेंस देखिए आपको जरूर मिल जाएगा. देयर आर सो मेनी स्टीरियोटाइप्स लाइफ इन आवर सोसाइटी बिकॉज़ ऑफ दिस द चाइल्ड मे स्किल्स दिस द लाइन इन शेप ऑफ चैप्टर सिम फॉर चैप्टर कंट्री, राइट? दीस आर एग्जांपल्स. इफ यू आपको जरूर अच्छा लगा समझ में आया होगा स्टीरियोटाइप का ये अनप्लेबल बहुत ही अच्छा वर्ड. Please to like the video, to share the video, to subscribe to the channels. Thank you so much, friends.
जय जय भारत, आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।